नमस्कार, मैं हूं आशुधर। 30 दिन में डे ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें, ये आप उसकी वीडियो क्लास देख रहे हैं। देखिए, आज जो लेसन मैं आपको बोलने वाला हूं, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी कहें ऐसे कैसे होता है, मगर ऐसे ही होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, कभी कभी आदमी को पर्सनल टेंशन होती है, घर में कोई किसी चीज़ की टेंशन है, काम में टेंशन है, बॉस ने डांट दिया, बीवी ने डांट दिया, क्या पता क्या टेंशन है, मगर कोई टेंशन है। जिस दिन आपको इस किस्म की टेंशन हो, आप डे ट्रेडिंग ना करें। अब आप कहेंगे जी नहीं नहीं मैं तो मेरे पास बड़ा संतुलन है, मैंने नहीं। क्या चीज़ होती है, देखिए क्या होता है, आपकी टेंशन है, आपने जाके ट्रेड प्लेस की, ट्रेड नेगेटिव हो गई, या ट्रेड जो है जो आपकी डायरेक्शन में नहीं गई, आप घबरा गए, या आप गुस्से के मारे आपने जो है इमोशनल डिसीजन ले लिया और शेयर खरीद लिए, या फटाफट बेच दिया, फिर शेयर चलना शुरू हुआ, फिर आपने खरीद लिया, फिर बेच दिया, तो क्या है, लॉसेस की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आपके पर्सनल या काम की टेंशन हो। तो अगर आप पार्ट टाइम डे ट्रेडर हैं तो आप इतना याद रखें, जिस दिन भी आपको इस किस्म की टेंशन लगे, आप ट्रेडिंग ना करें। और उस दिन को आप कैसे यूटिलाइज करें, एक अच्छी चीज़ यह है कि उस दिन आप बैठ के ये सोच सकते हैं कि जो मैंने पिछले 3-4 दिन जो ट्रेडिंग की थी उसमें किस किस्म का इम्पैक्ट आया था। एक चीज़ है, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि 10 दिन आप ट्रेडिंग करें और 2 दिन जो है छुट्टी ले लें और 5 दिन फिर से ट्रेडिंग। डे ट्रेडर को जो स्टॉक भी वो फॉलो कर रहा है, 15-20 शेयर, वो हमेशा देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इंसानों के जैसे इनकी अपनी लाइफ होती है, आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा स्टॉक किस तरफ जा रहा है। मगर जिस दिन आपको जो टेंशन है उस दिन ना आप स्टॉक ट्रेड करें ना कुछ करें। आज का अध्याय थोड़ा छोटा ही रखा है मैंने, मगर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है डे ट्रेडिंग में, टेंशन के साथ किसी टाइम भी ट्रेडिंग। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आशुदा।